guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyaashi. और आज का ये वीडियो है ना बहुत ज्यादा धुकुर धुकुर वाला वीडियो होने वाला है क्योंकि जब हमने स्टोरी पढ़ी थी ना तो हमें भी बहुत धुकुर धुकुर हुआ था और ऑब्वियसली ये हमारे सब्सक्राइबर की स्टोरी है. किस सब्सक्राइबर की स्टोरी है तो वो आप अभी मिल लो इनसे. हाय, मेरा नाम अंकिता दे है और ये जो स्टोरी है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और ये स्टोरी आपको दीदी लोग बताएंगे. तो आपने अंकिता से मिला ना और ये देखने में जितनी ज्यादा क्यूट है उससे ज्यादा ही ये डेयरिंग और हिम्मत वाली है. और सच बताया तो बचपन से लेके अभी तक की उम्र में इसने जितने भी कांड देखे है ना और एक्सपीरियंस किया अगर वो हम लोग बताने बैठ गए ना तो हमारी पूरी हॉरर की सीरीज ना 2 साल लगेंगे इसके स्टोरीज को कम्प्लीट करने में. तो आज के स्टोरी में अंकिता के बारे में पहले कुछ चीजें को क्लियर कर देते हैं ताकि आपको पूरी कहानी को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी. तो सबसे पहले बात करते हैं अंकिता के बचपन की. तो अंकिता उड़ीसा की रहने वाली है. बेसिकली एक छोटे से गांव के बहुत ही हाईफाई सिटी से ये बिलोंग नहीं करती है और बचपन से ही इसके घर में चाहे इसके दादी हो, इसके मामा हो या इसकी मम्मी हो, सबने छोटे मोटे बहुत सारे हॉरर एक्सपीरियंस किए हैं. अंकिता ने सबसे पहले बताया था कि उसने बचपन में एक देखा था आधा घोड़ा आधा इंसान को, जो कि मेरे को तो नहीं पता रियल लाइफ में होते हैं कि नहीं. हम लोगों ने तो इसको हैरी पॉटर में देखा है और पता नहीं हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. आप लोगों को पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एक्चुअल में ऐसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है. नार्निया में भी मैंने देखा था, बट कोई बात नहीं. तो अब आते हैं अंकिता की मेन स्टोरी पर. तो जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि अंकिता गांव से बिलोंग करती थी तो उसके बचपन के जो इनिशियल ईयर्स है ना वो गांव में ही बीते और अंकिता की क्लास 3 तक की स्कूलिंग उसके गांव से ही हुई थी. और अंकिता बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी. तो क्लास 3 के बाद उसके मम्मी पापा ने क्या सोचा ना कि इट्स अ हाई टाइम कि अंकिता की जो एडमिशन है ना अब किसी अच्छे स्कूल में करवाई जाए ताकि उसकी बेस मजबूत हो. फिर उसके मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि उनके जिले के ही मतलब उनके गांव से 1.5-2 घंटे की दूरी पर एक हॉस्टल था, मतलब स्कूल था बेसिकली, उसमें हॉस्टल भी था तो क्यों ना वहां पर अंकिता की एडमिशन कराई जाए. उन्होंने उस जगह को इसीलिए चुना क्योंकि वो गांव के सबसे नजदीक वाला हॉस्टल था प्लस अंकिता की उम्र बहुत कम थी तो उसकी मम्मी वॉज नॉट कम्फर्टेबल कि उसे भुवनेश्वर या किसी दूसरे शहर में भेजा जाए तो उन्होंने अंकिता की एडमिशन वहीं पर करवा दी. पर अंकिता उस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहती थी क्योंकि अंकिता के बहुत सारे दोस्त भुवनेश्वर में एडमिशन ले रहे थे तो अंकिता को ही बचपन से मन था कि वो भी भुवनेश्वर जैसे या फिर उड़ीसा से बाहर पढ़ने के लिए जाए और उसके मम्मी पापा इस चीज के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि अंकिता बहुत छोटी थी. उसके बाद अंकिता की एडमिशन उस स्कूल में करवा दी गई और वो स्कूल बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं था लेकिन हाँ उस जिले के अच्छे स्कूल्स में से एक था. तो अंकिता का जो स्कूल था ना वो कोएड स्कूल था, उसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते थे पर जो लड़कों का हॉस्टल था वो लड़कियों के हॉस्टल से काफी दूर हुआ करता था और वहां के जो हॉस्टल का सीन था ना उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आपको एक पर्टिकुलर रूम दे दिया गया हो पर्सनल या फिर एक रूम दे दिया गया हो जिसमें 3 या 4 लड़कियां रहती हो. नहीं, वहां पर एक हॉल हुआ करता था और उस हॉल में 50 से 60 लड़कियां रहती थी. तो अंकिता ने हमें बताया कि जब वो 4th क्लास में थी तो एक नई लड़की ने एडमिशन लिया क्लास 4 में ही, वो उसकी क्लासमेट थी. ठीक है, उस लड़की का नाम हम लोग यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे, लेट्स कॉल हर सीमा. तो सीमा जो थी ना जब से उसने स्कूल में एडमिशन लिया था उसकी जो हरकतें थी ना वो बहुत वियर्ड हुआ करती थी. मतलब वो कभी बाथरूम में जाके अचानक से रोने लगती थी या कभी रात में उठ के चलने लगती थी. तो पहले तो लोगों ने सोचा कि मे बी इसे चलने की बीमारी हो या फिर मे बी बच्ची है ना, नए नए स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, घर वालों की याद आ रही हो. बट नहीं, उसकी ऐसी बहुत सारी आदतें थी जिसे देखकर सबको ये लगने लगा कि वो पजेस्ड है. बच्चे सीमा से इसलिए भी डरते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो उसे देखा है कि वो रात में उठ जाती थी, खिड़की के पास चली जाती थी और उसके बाद वहां किसी से बातें करती थी, लाइक होश में. ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके बातें करती थी, वो आंख खोल कर बातें करती थी. तो सारी लड़कियों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया और जब स्कूल के टीचर्स को ये चीज पता चला तो उन्होंने सारे बच्चों को साथ में बुलाया और सबको बहुत डांटा और उन्हें समझाया कि ऐसे स्कूल में किसी को भी छांट देना या मार्जिनलाइज कर देना अच्छी बात नहीं है और हॉस्टल में आप सब लोग एक दूसरे के लिए एक फैमिली की तरह होते हैं. अगर आप ही किसी को उसके बुरे समय पर साइड हटा दोगे तो फिर वो क्या ही करेगा. तो सर ने सबको समझाया कि सुख हो या दुख हो सबको ही साथ मिलकर के रहो. उसके बाद अंकिता ने बताया
कि वो लोग डर डर के ही सही पर उस लड़की को अपने साथ रखते थे, पर फिर भी जो सीमा के बिहेवियर थे ना वो बहुत वियर्ड होते थे। और सभी बच्चों को ना सीमा से डर बहुत लगता था, बट केवल इस चीज की टेंशन थी कि अगर सीमा को हमने मार्जिनलाइज किया या अकेले छोड़ा तो सर फिर हमारी क्लास लगा देंगे। तो उस डर से सब लोग उस बच्ची के साथ रहते भी थे। एक रात की बात है, अंकिता ने हमें बताया एग्जाम आने वाले थे। उस टाइम पे अंकिता 5th क्लास में थी। तो उस रात सारे बच्चे एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे थे रात में बैठ करके, और बहुत सारी लड़कियां तो सो भी गई थी, बट फिर भी 7-8 लड़कियां थी जो कि जाग रही थी, और सीमा भी जाग रही थी। और अंकिता और सीमा साथ में ही रहती थी। अंकिता के पांव के पास सीमा सोती भी थी, और क्लास में भी अंकिता और सीमा साथ में ही बैठती थी। तो पढ़ते पढ़ते अचानक से सीमा ने अंकिता को बोला, पता है मेरा मधु भाई आ रहा है। तो अंकिता पढ़ रही थी, उसका रिएक्शन था, है कौन आ रहा है? तो फिर सीमा ने बोला, मेरा मधु भाई आ रहा है। तो अंकिता ने सोचा कि बगल में बॉयज हॉस्टल है, कहीं ये किसी लड़का वड़का को बुला बुला नहीं ना रही है, फालतू में हम लोग भी फंस जाएंगे। तो बोलती है, क्यों आ रहा है तेरा मधु भाई? तो बोली, मेरे से मिलने आ रहा है। तो अंकिता बोली, कब आ रहा है? तो बोली, अभी आ रहा है, देखो ना खिड़की से आएगा। तो अंकिता बोली, खिड़की से आएगा? खिड़की से क्यों आएगा, दरवाजा से बुलाओ। तो बोली, नहीं देखो आ गया मेरा मधु भाई आ गया। अंकिता खिड़की साइड देखी, उसको कोई नहीं दिखा। अंकिता बोली, कहाँ है तेरा मधु भाई? तो बोली वो सीमा कि देखो तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है। अंकिता पीछे मुड़ के देखी, पीछे कोई नहीं था। उसके बाद अंकिता और उसके साथ जितनी भी लड़कियां जाग रही थी सबकी हवा टाइट हो गई। उसके बाद वो सारे एक साथ भागे उस रूम से बाहर, उस हॉल से बाहर, और जितनी लड़कियां सो रही थी धप धुप की आवाज उनके सब जग गई, और सबने बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब भाग गई। किसी को पता नहीं था क्या हुआ, लेकिन सब उठ के भाग गई। और हॉल से बाहर निकलने के बाद फिर जो बात अंकिता ने सबको बताया, सबके होश उड़ गए। सबने दरवाजे और खिड़कियों से छुप छुप कर देखा तो सीमा आराम से हंस हंस कर अपने सो कॉल्ड मधु भाई के साथ बातें कर रही थी। उसके बाद अंकिता और उसके दोस्त इतना डर गए थे कि उन्हें हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि वो लोग उस हॉल के अंदर जाए। सबने सोचा कि क्या करें, कोई टीचर नहीं है अभी हॉस्टल में, गार्ड था वो भी सो चुका था अपने रूम को लॉक करके। किसी तरह उन्होंने 2-3 घंटे तक तो हिम्मत इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, कैसे रात भर खड़े रहे यहाँ, क्योंकि अगले दिन एग्जाम भी है तो सोना भी जरूरी है, और ऐसे इतना डरने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत करके अंदर तो जाना ही पड़ेगा। उस बार अंकिता को एक आइडिया याद आया। सिंस की अंकिता बचपन से इस माहौल में रही है, तो उसने कहीं से सुना था कि ऐसे जो भूत प्रेत होते हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, अगर उन्हें खाना दो ना तो वो बहुत ज्यादा खूंखार नहीं होते और आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। तो डरते डरते सारी लड़कियां अंदर गई, और अंकिता के बैग में बिंगो टेढ़े मेढ़े था, और अंकिता ने उस बिंगो टेढ़े मेढ़े को निकाल करके सीमा के हाथ पे रख दिया। उसके बाद अंकिता ने बताया कि वो जो सीमा थी ना बहुत चुप चुप रहती थी, बहुत वाइल्ड नहीं थी नेचर वाइज, लेकिन बिंगो टेढ़े मेढ़े लेते ही वो जो जंगली की तरह खाना उसने चालू किया ना, सब लोग देख करके शॉक्ड हो गए। उसके बाद अंकिता ने हिम्मत करके उससे बात किया कि सीमा कल एग्जाम है, अब अपने मधु भाई को बोलो कि तुमको छोड़ के चले जाए और तुम सो जाओ। तो सीमा बोलती है, नहीं मधु भाई भी आज यहीं सोएगा। उसके बाद अंकिता ने बोला, ओ गॉड ये क्या है। उसके बाद अंकिता और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि चुप रहो भाई, जो कर रही है करने दो, हम लोग सब साइड हो जाते हैं, एकदम चुप रहते हैं, ये बात ही ना करिए अपने मधु भाई से, करने दो शांति से रात भर बात। उसके बाद वो लोग सब एक कोने में दुबक गए, और सबने क्या देखा कि बिंगो टेढ़े मेढ़े खाने के बाद और थोड़ी देर मधु भाई से बात करने के बाद सीमा सो गई, और उसने एक करवट ले लिया। करवट में मुड़ने के बाद भी रात भर वो अकेले बड़बड़ाती रही जैसे वो किसी से बात कर रही हो। जैसे तैसे तो रात कटी, कोई भी उस रात सोया नहीं था, और सुबह होते ही जैसे ही गार्ड ने मेन दरवाजा खोला ना, सब दौड़ करके भागे हैं, और सबने सर को ये सब चीज बताया, और सबने बोला कि सर इसके गार्जियन को कॉल करो। और सर भी किसी को डांट नहीं सकते थे क्योंकि ये किसी एक या दो ने तो देखा नहीं था, ये तो पूरे बच्चों ने देखा था। तो सर ने उसके पेरेंट को कॉल किया, अगले 1-2 घंटे के बाद उसके पेरेंट आए और उस लड़की को ले गए। और उस दिन सबने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर एग्जाम पोस्टपोन कर दो, क्योंकि रात भर कोई भी सो नहीं पाया है इस डर के कारण। तो चलो उनकी एग्जाम भी उस दिन पोस्टपोन हो गए। और कुछ दिन के बाद पता चला कि उस लड़की के शरीर में 4 आत्मा थी, 4 आत्मा ने उसे पजेस करके रखा हुआ था, और फिर उसने हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ दिया। तो ये थी पहली एक्सपीरियंस जो हमारे साथ अंकिता ने शेयर की। इसके बाद की कहानी आपको रानी बताएगी। इस घटना के बाद अंकिता ने अपने मम्मी पापा को बहुत बोला कि मेरे को इस हॉस्टल से निकाल दो, पर जैसा कि उनके मम्मी पापा को लगता था
कि ये लड़की बदमाशी कर रही है, इसको यहाँ पर पढ़ना ही नहीं है, इसको भुवनेश्वर जाना है, इसलिए ये सब पैतरा आजमा रही है ताकि हम लोग इसको ये हॉस्टल से निकाल पाए। नहीं पता क्यों बच्चों के बातों पे कोई भरोसा करता ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे समय बीतता गया, अंकिता भी अब बड़ी हो गई थी और साथ ही साथ ये सब घटनाएं अब अंकिता के जीवन में आम बात बन गई थी और ये सब उसके साथ साथ उसके दोस्तों के लिए भी नॉर्मल चीज थी, क्योंकि अब यहाँ से वो लोग जाते भी तो कहाँ, गांव के वही छोटे से स्कूल में पढ़ना पड़ता जो कि किसी को पसंद नहीं था। तो अब धीरे धीरे ना उन्होंने सोचा कि ये सब चीज को हम अपने जीवन में ना नॉर्मल ही कर देते हैं, उसी में भलाई है। और यहाँ पर वो जो कहावत है ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यहाँ से कोई ऑप्शन था नहीं तो भाई इसी चीज को झेलो। और धीरे धीरे करते करते 10th बीत गया। अब अंकिता आ चुकी थी 11th में, यानी कि 2 साल पहले की बात है। अंकिता का स्कूल तो वही था लेकिन 10th के बाद अब क्या था ना कि उसकी हॉस्टल शिफ्ट हो चुकी थी, अब वो सीनियर विंग में आ चुकी थी और बड़ा सा बिल्डिंग, मतलब कि नए नए और बड़े बड़े सरप्राइजेस उसका वेट कर रहे थे। तो एक रात की बात है, एग्जाम्स आने वाले थे, अंकिता रात में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते उसने क्या नोटिस किया ना कि बगल वाले टेबल पे एक पेन पड़ा हुआ है और वो पेन में ना एक लड़की का नाम लिखा हुआ है और वो लड़की ऊपर 4th फ्लोर में रहती थी जो कि अंकिता की फ्रेंड नहीं थी। उसे यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि अरे ये मेरे रूम में इसका पेन कैसे आ सकता। उसने वो पेन उठाया, उसने सोचा कि हम अभी जाके ये पेन उसको दे आते हैं, नहीं पता मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाए। उसने वो पेन उठाया, उसने सोचा कि हम तुरंत से दे के आते हैं। और यहाँ पर एक चीज हम बता दे रहे हैं, अंकिता का जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर पे था और जो पेन जिस लड़की का उसके रूम में पड़ा हुआ था उसका रूम 4th फ्लोर में था। रात के 12:30 बज रहे थे, उसने पेन उठाया, रूम को लॉक किया। वो जैसे ही ऊपर 1st फ्लोर के ऊपर बढ़ी ना, उसको लगा कि पीछे से कोई उसके पास आके ऐसे खड़ा हो गया बगल में। उसने ऐसे वैसे देखा, ज्यादा रोशनी नहीं थी, उसे लगा अरे यार मन का वहम होगा, और वो चलने लगी। और वो जैसे जैसे सीढ़ियों पे ऊपर चलने लगी, उसको नहीं पता वो अचानक से ना छत पे आ गई जो कि पूरा सन्नाटा था। और उसने बताया कि दीदी मुझे याद नहीं मैं कैसे आई। उसने चारों ओर देखा, तब उसको रियलाइज हुआ कि अरे हम कहाँ आ गए। कोई बात नहीं, पढ़ाई का स्ट्रेस होगा। अब वो जैसे ही नीचे जाने लगी, उसने देखा कि छत पे से कोई जोर से दौड़ के एकदम उसके सामने खड़े हो गया। वो ऐसे हिल गई, लाइक होता ना कि सन से अगर हवा जाए तो कैसा लगेगा आपको, वो ऐसे रुक गई। ओ गॉड, मेरे को ना अजीब लग रहा है। उसने जोर से मुट्ठी बांधा, वो बोली कि हम आओ देखे लगता हूँ। दौड़ के अपने फ्रेंड के 4th फ्लोर पे पहुंची। उसने अपने दिल को संभाला, उसने सोचा कोई बात नहीं, होता होगा, मेरे मन का वहम है। उसने जोर जोर से दरवाजा नॉक किया अपने दोस्त का कि खोलो। तब तक क्या होता है ना कि उसके दोस्त लोग चिल्लाती, अबे कौन हो तुम लोग, जाओ यहाँ से। बोली कि अरे हम अंकिता है, खोलो तो दरवाजा, हम आए हैं, कोई और नहीं है। वो लोग बोली अरे तुम हो, अच्छा ठीक है हम खोल दे रहे हैं। वो लोग इतनी डरी हुई थी, वो लोग दरवाजा खोली, अंकिता को घींचा और गेट तुरंत से लॉक। अंकिता बोली कि क्या हुआ। तब उसके फ्रेंड्स ने बताया, हमारा गेट कोई खटखटा रहा है, हमें कोई आवाज दे रहा है कि मेरे पास आओ, कोई चल रहा है, कोई पूरे छत पे दौड़ लगा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और पता है यहाँ पर अंकिता कितनी तेज है, अंदर से तो उसकी फटी पड़ी थी क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट पहले उसने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की थी, ठीक है, लेकिन वो अपनी क्लासमेट्स को ये सब चीज नहीं बता रही थी क्योंकि इस पे सब लोग डर जाएंगे और उसे अपने रूम में जाकर अकेले सोना भी नहीं था। तो उसने सबसे क्या बोला, अरे ऐसा है तुम लोग को डर लग रहा है, कोई बात नहीं हम ना तुम लोग के साथ सो जाते हैं तो इससे तुम लोग को डर नहीं लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई, अभी मेन धमाका होना तो बाकी था। तो अब सीन कुछ ऐसा हो जाता है ना कि एक सिंगल बेड और उसमें 3 लड़कियां, और अंकिता ने हमें बताया था कि दीदी हम बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो आप समझ ही सकते हो कि 3 लोग कैसे एक बेड पे सो के एडजस्ट की होगी। और गर्मी का मौसम था, तीनों की तीनों पसीने से लथपथ एक दूसरे से चिपक कर बैठी हुई थी और ऐसे करते करते 2:30 बज चुके थे। अंकिता ने सुना कि बगल वाले रूम से किसी ने नल खोला और बहुत ही जोर से पानी की गिरने की आवाज आ रही थी। तीनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। अंकिता ने फिर यहाँ पर हीरोगिरी दिखाई, उसने बोला कोई बात नहीं, कोई नल खोला होगा, सुसुपोटी किसी को आई होगी, कोई बात नहीं। वो दोनों ने मुंह देखा एक दूसरे का, बोला ठीक है होता है। 5 मिनट बाद फिर किसी के कैन गिराने की आवाज आती है, जैसे कि जमीन पे किसी ने कैन को गिरा के लुढ़का दिया हो। आप समझ रहे हो कि एक सन्नाटे रात में अगर कोई कैन गिरा दे तो आवाज कितनी ज्यादा हॉरिबल हो सकती है।
तीनों की फिर फटी। अंकिता ने बोला, कोई पेप्सी पी रहा होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद अब तीनों का ना पेशेंस लूज हो रहा था, क्योंकि तीनों को अब लग रहा था कि जल्दी से जल्दी कब सुबह हो और कब हम लोग इस रूम से निकल के भागे। लेकिन अब क्या होता है, रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है, टप 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 टप, शू के साथ। टाइम के साथ चलने की आवाज ना दौड़ने में बदल जाती है। अब कोई स्पीड से उसके रूम के आसपास दौड़े जा रहा है, टप 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 टप। अब अंकिता और उसकी दोनों फ्रेंड का हालत खराब, तीनों आग बंद करके रजाई के अंदर गर्मी के दिन में बंद। तब तक अंकिता को सुनाई देता है कि कोई उसका फ्रेंड का नाम उसके कान में बोल रहा है, वो भी उड़ीसा के भाषा में, जिसको उड़िया भाषा बोलते हैं, साई एतकियास, साई एतकियास, यानी कि साई इधर आओ, जो कि उसकी दोस्त का नाम था जो उसके जस्ट बगल में लेटी हुई थी। अंकिता ने उसकी तरफ मुड़ा और बोला कि साई, तुमने सुना? उसने बोला, क्या? बोले कि कोई तुमको पुकार रहा है। अब तीनों का और फट गया, तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंकिता और उसके दोस्तों ने देखा कि दरवाजे को कोई इतना जोर से पीट रहा था ना कि मान लो दरवाजा ना गिर के टूट जाएगा अब न तब। अभी तो दरवाजा खटखटाना बंद ही नहीं हुआ था, तब तक अंकिता और उसके दोस्त क्या नोटिस करते हैं कि उनके रूम की जो खिड़की थी वो कोई जोर जोर से पीट रहा हो, जैसे कि खोल के अंदर ही आ जाएगा। अब यहाँ पर तीनों की हालत खराब थी, उनका शरीर मानो कि बर्फ की जैसा जम गया था। फिर भी अंकिता ने हिम्मत करा, उसने अपना फोन लिया, हनुमान चालीसा का वीडियो बजाया ताकि थोड़ा सा भी राहत मिले। करते 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 फाइनली सुबह हो गई 4:30-5 बजे। थोड़ी सी धूप की रोशनी दिखने के बाद वो लोग के दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो मुसीबत टली। उसके बाद जब सुबह हो गया, स्कूल खुल गए, उसके बाद अंकिता और उसकी दोनों दोस्तों ने सर के पास जाकर ये सारी प्रॉब्लम बताया। उसके बाद सर ने बोला कि नहीं, हॉस्टल में तो हम सारे लोग थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, जरूर तुम तीनों मिलकर के ड्रामे कर रही हो। उसके बाद अंकिता और उसकी दोस्तों ने सर को बहुत ज्यादा यकीन दिलाने की कोशिश की कि नहीं सर, हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो सर ने कहा कि मे भी तुम्हारे मन का वहम होगा। उसके बाद अंकिता और उसके दोस्तों की बात तो कोई स्कूल में मान नहीं रहा था। लास्ट में अंकिता और उसकी दोस्तों ने सोचा कि भाई साहब, यहाँ रहना इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद अंकिता ने अपने घर पे कॉल लगाया, घर पे कॉल लगा के उसने अपने घर पे सारी बात बताई और मम्मी पापा को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि बचपन से आज तक तो आप लोग मेरी बात मान नहीं रहे हो, अगर अभी मेरे को इस हॉस्टल से नहीं ना ले जाओगे तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। उसके बाद इस धमकी के बाद अंकिता के मम्मी पापा आए, वो अंकिता को ले गए और अंकिता ने बोला कि वो जो बचपन से लेकर के अभी तक उसके साथ जितनी भी चीजें हो रही थी उससे वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी ना कि उसके 10th के मार्क्स भी खराब आए, 11th के रिजल्ट भी उस चीज से अफेक्ट हो रहे थे। लेकिन अंकिता ने बोला कि टचवुड, जब वो घर गई ना तो मुश्किल से 5 या 7 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया था। लेकिन यहाँ पर अंकिता ने एक चालाकी वाला काम किया, सिंस की वो ये सब बचपन से एक्सपीरियंस कर रही थी और उसके मन में बहुत ज्यादा डाउट था अपने स्कूल और अपने हॉस्टल को लेकर के, तो अंकिता ने क्या किया ना, वहां की मिट्टी उठा ली, मैदान की मिट्टी अपने स्कूल की, क्योंकि उसके पेरेंट भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, और उसने वो मिट्टी अपनी माँ को दिया घर जाकर। और उसके बाद उसकी माँ ने झाड़ फूक करने वाले से वो जो मिट्टी चेक करवाई तो उस मिट्टी को देखकर उस ओझा ने क्या बोला कि ये जो स्कूल है ना वो कब्रिस्तान के ऊपर खड़ा है। साथ ही साथ वो स्कूल बहुत इंटीरियर एरिया में था जिस कारण से वहां पर रेप वगैरह के केसेस बहुत कॉमन थे और लड़कियों का रेप कर करके उन्हें उस इलाके में फेंक दिया जाता था। और साथ ही साथ इंटीरियर एरिया होने के कारण वहां के जो लोकल इंसान थे ना उस जगह में बैठ करके दारू, ड्रग्स और भी जो भी नशीली चीजें होती है ना वो सबको कंज्यूम करते थे, और जो भी भूत पिशाच होते हैं ना वो सब नशे की ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। दैट्स वाई अंकिता के हॉस्टल में शुरू से ही ये सब एक्टिविटीज चलती रहती थी। और बस ये कहानी यही तक थी। और ये स्कूल एंड हॉस्टल्स की कहानी बताकर हम लोग आप लोगों में से किसी को भी मिसगाइड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्कूल और हॉस्टल्स वाली कहानी बहुत नॉर्मल होती है, सारे लोगों को पता ही होगा और सबने अपने स्कूल में कभी ना कभी ये चीज एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। और बहुत सारे ये क्वेश्चंस होते हैं ना कि दीदी हमें भी कहानी शेयर करनी है के साथ, हम लोग कहां करें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर हमें मेल भी कर सकते हो, आईडीज वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपका धुकुर हुआ होगा तो कमेंट करके हमें भी जरूर बताना, और अगर आप नए हो तो वेलकम टू आवर फैमिली। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।